हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पानीपत स्वास्थ्य विभाग की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। पहले समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली और फिर इमरजेंसी के बाहर स्ट्रेचर नहीं मिलने से प्रसव पीड़ा के चलते महिला तड़पती रही। फिर महिला ने ई रिक्शा में ही बच्चे को जन्म दिया। मीडिया को देख हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग और फिर आनन फानन में महिला को भर्ती किया गया। वहीं सीएमओ ने कहा कि उनके पास पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर और व्हीलचेयर उपलब्ध है, अगर लापरवाही हुई है तो मामले की जांच करवाई जाएगी। बता दें कि पानीपत के हरिसंग कॉलोनी की रहने वाली एक महिला सुबह डिलीवरी के लिए ले जाते समय प्रसव पीड़ा से कराहती रही और रास्ते में ई रिक्शा में ही बच्चे को जन्म दे दिया। अस्पताल से बाहर ई रिक्शा में डिलीवरी होने की वजह से खुले में जन्म होने के कारण शिशु संक्रमण का शिकार हो सकता है। महिला ने घर से आशा वर्कर को प्रसव पीड़ा होने की सूचना दी थी, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं आई तो पीड़ा अधिक होने के चलते महिला के परिजन उसे ई रिक्शा में पानीपत के सामान्य अस्पताल लेकर आए, लेकिन अस्पताल में इमरजेंसी गेट पर पहुंचने पर भी उसे स्ट्रेचर नहीं मिला तो उसने ई रिक्शा में ही बच्चे को जन्म दे दिया। सामान्य अस्पताल स्थित मीडिया के मामले की भनक लगी तो अस्पताल स्टाफ ने आनन फानन में महिला को SNCU वार्ड में भर्ती किया है। वही जच्चा की हालत में सुधार है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सीएमओ ने कहा है कि अस्पताल में पर्याप्त साधन मौजूद है, लेकिन अगर कोई लापरवाही सामने आई है तो मामले की जांच करवाएंगे। वहीं एक और मामला सामने देखने को मिला। व्हीलचेयर नहीं मिलने के कारण एक बुजुर्ग महिला सामान्य अस्पताल के फर्श पर दर्द के कारण बैठी मिली। उसे भी मीडिया के कारण उठाकर बेड पर लिटाया गया। वहीं समाज सेवी लक्ष्मण दास ने कहा कि यहाँ कोई साधन नजर नहीं आ रहे, ऐसे में करोड़ों रुपए की लागत से बने सामान्य अस्पताल जनता के लिए सफेद हाथी बनता जा रहा है। मरीज आते हैं, डिलीवरी कराने भी आती हैं, उनको जैसे स्ट्रेचर जैसी इस तरह से सुविधाएं मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। जो स्ट्रेचर है, व्हील चेयर्स हैं, ये हमारे पास सफिशेंट क्वांटिटी में उपलब्ध हैं और OPD में भी ये चीज़ें रहती हैं। जहाँ पे पेशेंट अगर चल फिर नहीं सकते, OPD में दिखाने आते हैं, वहाँ व्हील चेयर प्रोवाइड की जाती है और गेट के ऊपर ही रखी होती है। जहाँ एंट्री पॉइंट है, जहाँ पे हमारे ये जो OPD के नंबर कार्ड्स रजिस्टर करने के बाद में इशू होते हैं, उसके पास में भी ये रखी होती हैं। और जो अंदर जो हम आते हैं, जैसे रैंप के आसपास, इधर भी ऑन डिमांड ये अवेलेबल रहता है। इमरजेंसी के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। देखो जी, प्रेशर बहुत बड़ा है। अब गेट से अंदर आने के लिए जिस तरह से आशा वर्कर डिलीवरी उसको लेके आती है, कई बार आशा वर्कर लेट हो जाती हैं और कोई उनको संभालने वाला नहीं। आज भी एक ऐसा केस आया है जो कि ई रिक्शा में डिलीवरी हो गई है, उसको स्ट्रेचर नहीं मिल पाया, उसको आगे अटेंडेंट नहीं मिल पाया। नहीं, ई रिक्शा में मेरे नोटिस में नहीं है, मैं पता कर लूँगा उसका कि कहाँ पर डिलीवरी हुई है, क्या हॉस्पिटल में आने के टाइम हुई है या बाहर ही हो गई है। गेट पर हुई तो आने में देरी हुई होगी ना, तो उसकी वजह से हो सकती है। और ऐसे में जितने भी हमारे एंटीनेटल केसेस रजिस्टर्ड हैं, उनका ANM के पास रिकॉर्ड होता है और उनको जो ये केसेस हैं, इनको पहले से मोटिवेट किया होता है कि अगर आपको जब भी लेबर पेन स्टार्ट हो तो आप जो है उनके मोबाइल नंबर पे उनको कांटेक्ट करें, आशा वर्कर को कांटेक्ट करें, ताकि वो जो है इमीडिएटली एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा दे। आशा वर्कर ने एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कराई, लेट हुई, फिर गेट पे स्ट्रेचर नहीं मिल पाए क्योंकि ढूंढते रहे। नहीं, अगर बल्कि गेट कीपर भी कहने लगे आप इमरजेंसी, वो अकेली कहाँ पर थी। इमरजेंसी के अंदर जो एंट्री पॉइंट के ऊपर स्ट्रेचर, व्हील चेयर ये अवेलेबल होते हैं और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड और जो हमारे वर्कर्स हैं, जो ये लोग हेल्प के लिए होते हैं, वो जैसे कहेंगे तो तुरंत वो चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं। अगर किसी को दिक्कत आई है तो हम इसके बारे में पड़ताल करके उसकी कार्रवाई भी कर देंगे। व्हीलचेयर भी नहीं है, मिलनी चाहिए। वैसे हम लाते सेवा दर से लाते थे उनके। यहाँ कोई स्ट्रेचर व्हीलचेयर नहीं है, क्या बात है भाई? इनको पता, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, इनको पता इनके पास है कि नहीं। कितनी देर लेटी रही जमीन पे? ये थोड़ी देर हुई, 5-7 मिनट। अभी भी उठा के लेके स्ट्रेचर या व्हील चेयर? ये तो हम तो सेवा करते हैं गरीब की, जो सब अकेले लाचार हो उसको अपना एमरजेंसी में जा, उसमें 15 नंबर में दवाई दिवाई सेवा के कबाब है, सेवा करना बस। इस इमरजेंसी में चारों तरफ कहीं आपको व्हील चेयर वगैरह दिखाई दे रही है कुछ? ना, दिखाई तो नहीं दे रही, हमारे क्या तो कहीं ना कहीं जा रही होगी। ये तो दर्जनों भर यहाँ पे व्हील चेयर स्ट्रेचर है, यहाँ तो एक भी नहीं है। ये क्या, कोई ना कोई मरीज उठा ले जाता, वही वही छोड़ देते हैं, फिर मंगवा देंगे। क्या कहना है, लक्ष्मण दास सेवा क्या
कैसे मतलब कब से दर्द है भाई? सुबह से दर्द हुआ था तो किसी को बताया नहीं, मुझसे फोन की मैं काम से चला आया और मकान मालिक से बोला तो आशा को लेकर आई तो रास्ते में नॉर्मल हो गया। क्या नाम है? संदीप यादव। आपने एम्बुलेंस का फोन नहीं किया था? एम्बुलेंस का मैं फोन नहीं किया। नहीं मैं भाई हूँ। कितनी देर हो गई था आपको यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आए हुए? अभी दो मिनट हुआ है, इससे ले आकर खड़े हुए। गेट पे हुआ बच्चा? हाँ, लड़का है लड़की है? अब मालूम नहीं। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।